उपदेशों का पवित्र दान, धम्म उपदेश के प्रति चिंतन मनन, आषाढ़ से अश्विन पूर्णिमा तक धम्म के विचार लोगों तक पहुंचाने वाली सदियों से चली आ रही परंपरा वर्षावास। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भारत के सर्वश्रेष्ठ महामानव महाकारुणिक तथागत बुद्ध राजे शिवाजी महाराज, माता जिजाऊ, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, बुद्ध धम्मा के निर्माता, बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ के निर्माता और संविधान के निर्माता माता रमाई, सभी महापुरुषों को मैं अभिवादन करता हूँ। उसी प्रकार चक्रवर्ती सम्राट अशोक, राजा हर्षवर्धन, मेरे गुरु भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश देसाई, उनको भी मैं नमन करता हूँ। सभी श्रावक संघ को मेरे तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभी आपके सामने आर्थिक दुर्बलता के बारे में आपके सामने बात कर रहा हूँ। ये विषय शुरू है अभी आर्थिक दुर्बलता का। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि आर्थिक दुर्बलता के वजह से हमारी दुर्बलता को लेकर लोग हमारा शोषण करते हैं, तो हमें समाज में आर्थिक दुर्बलता को हटा करके समाज में एक आर्थिक सामर्थ्य निर्माण करना चाहिए और व्यक्तिगत रूप में भी अपनी गरीबी हटा करके आर्थिक सामर्थ्यशाली बनना चाहिए। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने लोगों को कहा कि आप अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी शिक्षा करो, जिससे आप संगठित हो जाएंगे, जिससे आप आंदोलन कर सकते और जिससे लोगों को अच्छी राह बता सकते और उसमें लोगों का कल्याण भी कर सकते। इस तरह से ज्ञान का बाबा साहब आम्बेडकर ने महत्व बताया, इसलिए कि ज्ञान के आधार पर हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता और अगर हम अज्ञानी रहे तो फिर हम दुर्बल बन जाते, आर्थिक दुर्बल भी हम बन जाते और उससे हमारा शोषण होता है। तो हम आर्थिक दुर्बलता के कारण के बारे में बता रहे थे। तो इसके पहले हमने जो आर्थिक दुर्बलता का कारण बताया कि जो फिजूल का खर्चा होता है वो हम कम कर सकते हैं, उसमें हम कटौती कर सकते हैं और जो आवश्यक चीज़ों में खर्चा कर सकते हैं। दूसरा, जो काम छंद जो में हमारा पैसा जाता है, कोई वासना तृप्ति के लिए, काम तृष्णा के लिए आसक्ति के लिए और गलत व्यवहार में हमारा जो पैसा अगर जाता हो तो उसको हम कम करें और अपने मन को पवित्रता निर्माण करके, मन में पवित्रता निर्माण करके हम अच्छे कामों में पैसा खर्चा करें। तीसरी बात हमने कहा कि जो गरीबी की जो भावना है मन में, वो गरीबी की भावना को हमें हटाना चाहिए, क्योंकि जैसी हमारी गरीबी की भावना रहेंगी वैसा वैसा हमें गरीबी रहना पसंद आएगा। इसलिए गरीबी की भावना हटा करके हम गरीबी को कैसा दूर करें, कैसे मेहनत करें, कैसा परिश्रम करें, इस बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। उसके बाद में हमने कहा था कि उपयोगिता और उपभोगिता, इसमें
फर्क है, दोनों बातों में फर्क है। जो उपभोगिता है, जो उपभोग जो वस्तु है उसको उपभोग के रूप में अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका वापर करते हैं कि ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, तो वो गलत है। जैसे कोई कम, जिसकी आमदनी है, जिसके पास कम पैसा है, वो अगर बड़ी गाड़ी खरीदी करता है तो उसके जो पास का जो पैसा है, जितना भी वो पैसा कमाता है, वो उसकी गाड़ी के पेट्रोल में खर्चा हो जाएगा। फिर वो ऐसे जो बिना काम के जो चीज़ है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसी चीज़ों पे हम खर्चा ना करें। जैसे घर में बड़ी बड़ी टीवी लगी है, बड़े बड़े ये है, तो ये सब लग्जरियस लाइफ जो बिल्कुल बोलते हैं, तो उस चीज़ के तरफ हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो हम ये करें कि इसके तरफ ज़्यादा ध्यान न देते हुए हमने उपयोगिता के तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कि हमारे अंदर जो उपयोगिता रहे, हमारे अंदर उपयोगिता रहे, कि जो चीज़ हमारे लिए आवश्यक है वही चीज़ को हम इस्तेमाल करें, उस चीज़ को हम खर्चा करें। तो इसलिए हम उपयोगिता को जो आवश्यक है, हमारी आवश्यक चीज़ें वैसी रह जाती है, और एन्जॉयमेंट के लिए, जैसे बच्चे हैं कॉलेज में पढ़ते हैं तो बड़े बड़े मोबाइल क्या कर, तो उससे हमको ये काम है वो काम, बड़े बड़े खर्चा का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका उपयोग तो कुछ भी नहीं होता। इस तरह से हमने इसके बारे में सोचे। आखिरी बात जो हमने कही थी कि वो आर्थिक दुर्बलता की बात है, तो हम आर्थिक दुर्बलता के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। उपयोगिता और उपभोग्यता में फर्क है। हम ज़्यादा उपभोग के लिए खर्चा न करें, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे जो दुख निवारण के साधन है, तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं हमारे दुख निवारण के साधन है, ये कोई एन्जॉयमेंट के साधन नहीं है। तो हम एक सादा सरल अपनी ज़िंदगी जिए, और जो आवश्यक चीज़ें उसका ज़्यादा, उस पर ज़्यादा हम खर्चा करें। अंतिम जो है आलसी वृत्ति, ये भी आर्थिक दुर्बलता का कारण है। आलसी वृत्ति, जो आलसी आदमी है वो ना स्वयं के लिए काम में आता है, ना दूसरे के लिए काम में आता है। वो आलस में ऐसा फंसा है, जैसे कि लोहे को उसका जो जंग लगता है तो लोहे को ही ख़त्म करता है। इसलिए जो आलसी वृत्ति है वो आदमी के अंदर की जो एनर्जी रहती है, कार्य करने की ताकत रहती है, हर एक आदमी में कार्य शक्ति रहती है, काम करने की ताकत रहती है। अगर ऐसे आदमी में, हम युवा आदमी में भी जिसमें काफ़ी ताकत है, लेकिन युवा आदमी भी अगर आलसी बन जाता है, उसमें आलस निर्माण हो जाता है, तो फिर वो इसमें चले जाता है, धीरे धीरे वो कोई काम नहीं करेगा, और धीरे धीरे आर्थिक दुर्बलता आ सकती है। तो हम इसके बारे में सोचें कि आर्थिक दुर्बलता न आए, स्वयं में आर्थिक दुर्बलता न आए, और समाज का जो कैसे हम आर्थिक सामर्थ्य बढ़ाएं, हम स्वयं का भी आर्थिक सामर्थ्य बढ़ाएं और समाज का भी आर्थिक सामर्थ्य कैसे बढ़ाएं, इस बारे में हम लोगों ने अवश्य चिंतन करना चाहिए। इस बारे में तथागत बुद्ध ने एक जो बात कही थी, तथागत बुद्ध के पास में एक भिक्षु जाता है और उनको कहता है कि तथागत बुद्ध, हमें जो आदमी सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, इस बारे में कुछ सुख के मार्ग आप बताओ। इस तरह से कई उपासक जाते हैं और भंती जी भी जाते हैं, तब तथागत बुद्ध उनको सुख के चार मार्ग बताते हैं। तो वो चार मार्ग जो हम आपके सामने बता रहे, जो तथागत बुद्ध ने कहा था, पहला जो मार्ग बताया था वो उत्थान संपदा। उत्थान संपदा का मतलब जो है कि आदमी जो भी व्यवसाय करता है, जो भी काम करता है, हर एक को अपना जीवन जीने के लिए
काम करना पड़ता है, कोई कोई उद्योग करता है, कोई नौकरी करता है, तो कोई खाजमी में काम करता है, तो अपने जीवन जीने के लिए हर आदमी काम करता है। तो उस समय उसने काम करते समय जो काम कर रहा है, देखो आदमी का काम जो है, जो काम से हमें उन्नति करना है, जिस काम से हमें प्रगति करना है, आगे बढ़ाना है, उस काम को हमें हमेशा स्वीकार करना चाहिए। जो काम समाज में बुराइयां निर्माण करता है, हमें सब हमारे स्वयं में बुराइयां निर्माण करता है, ऐसे कामों को हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे काम को हम करना चाहिए जो हमको मान सम्मान देता है, हमें अच्छा बनाता है और समाज में भी हमारा एक प्रकार से मान सम्मान बढ़ाता है। ऐसे जो है उत्थान संपदा, ये तथागत बुद्ध कहते कि ऐसे कामों में हम आलसी वृत्ति न रखें। अगर हम कोई काम करते हैं, अगर उसमें आलसी वृत्ति है, तो हम काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। और अगर हम उस काम में अपनी श्रद्धा न रखें, तो वो धीरे धीरे उस काम में हमें नुकसान होते जाएगा और हम काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हमने जो भी काम लिया है हाथ में, जो भी हम काम करना चाहते हैं, उसमें एक एक्सटेंशन करने का, उसमें उस काम को और अच्छा बनाने का प्रयास करें। और उसको आप अच्छा कैसे बना सकते हैं, उसको और बढ़िया कैसे बना सकते हैं, उसमें और कैसे सुधार ला सकते हैं, इसको और कैसे सुधार के लोगों के सामने हम रख सकते हैं। तो उससे जो भी आप कोई भी काम करो, अगर काम अच्छा करते गए तो हमारी तरक्की हो जाएंगी। लेकिन काम में अगर जो काम कर रहे हैं हम दुर्बलता से काम करें, उसमें हमारी कोई श्रद्धा नहीं रहेंगी, तो उसमें हम काम ऐसे कामों में हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि उत्थान संपदा, जो भी काम करते हैं उस काम में आप श्रद्धा रखो, आलस मत रखो, उस काम में आगे बढ़ाने का सोचो, उस काम को और अच्छा करने का सोचो, उस काम को और एक्सपांड करने को, जैसे आप व्यापार कर रहे तो और व्यापार बड़ा हो, अब और तरक्की हो। हम अगर कोई ऑफिस में काम करते हो तो हम अच्छा काम करें, हमारी और तरक्की हो जाएंगी, तो हमारा और वेतन बढ़ेगा, हमारे घर में और अच्छी सुख शांति निर्माण होगी। इस तरह से जो भी काम करते, जो कोई लड़के पढ़ाई करते हैं, तो हम पढ़ाई में भी माँ बाप हमारे लिए इतना खर्चा करते हैं, तो उसको देख करके हम पढ़ाई में ध्यान लगाए और पढ़ाई में श्रद्धा लगा करके, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता निर्माण करके उस पढ़ाई को ध्यान दे, ताकि हम समाज में अपना नाम ऊंचा करें और स्वयं भी एक ऊंचे पद पे चले जाए। तो जो भी हमें समय मिलता है, जो भी हम काम लेते हैं हाथ में, उस काम के बारे में हमारी ऐसी सोच होना चाहिए, चाहे कोई भी काम हो, चाहे घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, हर काम करते समय आदमी के दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि मैं इस काम को कैसा अच्छा बना सकता, इस काम को और कितना बढ़िया बना सकता हूँ, इस काम को और कैसे बढ़ा सकता हूँ, उसमें कैसा प्रोग्रेस कर सकता हूँ, इस बारे में ऐसी हमारी मानसिकता होना चाहिए। उसको कहते हैं उत्थान संपदा, यानी हमारे उत्पन्न का जो हम विकास कर सकते हैं, हमारा उत्पन्न जो है हम बढ़ा सकते, तो ये तथागत बुद्ध ने कहा था। दूसरी बात कहा था कि आरक्षण संपदा, यानी जो भी चीज़ें हमारे पास में हैं उसका हम रक्षण करें, उसका प्रोटेक्शन करें, उसको सुरक्षित रखें। आरक्षण संपदा से जैसे उसको हम अच्छी तरह से रखें, नहीं तो हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ें, बच्चे तोड़ रहे हैं, तो ये तोड़ रहे, ये ख़राब कर रहे हैं, तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते कि हम इतनी महंगी महंगी चीज़ें लाते हैं और बच्चे के हाथ में देते थे, बच्चे 20-20 हज़ार का मोबाइल तोड़ रहा है, तुम्हारा टीवी ख़राब कर रहा है, तुम्हारा ये ख़राब कर रहे हैं, तो ये तो हम इतनी बड़ी चीज़ लाए लेकिन उसकी सुरक्षा न कर सके, हम उसकी सुरक्षा करने में कामयाब नहीं हुए। तो हमारे पास जो भी, जैसे खेती है किसी के पास, किसी कोई दुकान चलाता है, तो ये सोचे वो
कि मेरे पास एक दुकान है, हम चार भाई है, तो एक दुकान चलाते चलाते ये सोचे कि चार भाई के लिए चार दुकान हो, एक दुकान तो सुरक्षित रहे लेकिन हम चार भाई मिलकर के काम करेंगे तो एक दुकान के चार दुकान हो जाएंगे तो हमारे चारों की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, ना कि हम चार भाई आपस में झगड़े और एक दुकान का बंटवारा करें। ऐसी सोच हमें नहीं होना चाहिए जो हमारे पास में है, जैसे इस्टेट है, कोई है, संपत्ति है, तो उसको सब मिल कर के बढ़ाएंगे तो सबका फायदा हो जाएगा। तथागत बुद्ध अनाथ पिंडक को कहते हैं कि आप संपत्ति जिसके पास में है वो संपत्ति की तृष्णा न करते हुए, संपत्ति की तृष्णा न करते हुए उसको उत्थान के बारे में सोचे। संपत्ति का तृष्णा नहीं होना लेकिन संपत्ति का जो विनियोग होता है वो अच्छी तरह से होना, उसका जो विनियोग है वो अच्छे कामों में होना चाहिए, उससे इंसान के लिए वो आदमी वरदान बन जाता है। जैसे एक आदमी के पास में 20 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया है तो वो 20 लाख रुपया घर में रख देगा या बैंक में रख देगा, तो उससे ज़्यादा ज़्यादा क्या फ़ायदा मिल सकता है? जो बैंक का ब्याज मिलता है उतना ही बैंक मिलेगा, या फिक्स डिपॉजिट में डालेगा तो उसको उतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन उसने अगर सोचा कि मेरे पास 20 लाख रुपया है तो मैं 5 आदमी को अगर 2-2 लाख रुपया दिया और 5 लोगों ने 2 लाख रुपया लेकर के उससे बिजनेस बढ़ाया, उसे दुकान रख किया और दुकान डाल करके वो अच्छा कमाई करने लगा, तो उसके 2 लाख रुपए फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन 5 लोगों की ज़िंदगी बढ़ सकती है। तो इस तरह से हमारे घर में जो रिश्तेदार है, भाई बहन है, या हमारे जो परिवार के लोग हैं, इसके बारे में हम सोचें कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, इस तरह से जो हमारे संपत्ति का विनियोग करें। तथागत बुद्ध संपत्ति का विरोध नहीं करते लेकिन जो अपने संपत्ति को गलत कामों में लगा देते, लोगों का शोषण करने में लगा देते, फिजूल काम छंद में वासना तृप्ति के लिए खर्चा कर लेते, आसक्ति में खर्चा कर लेते, इस बारे में तथागत बुद्ध ने कहा कि ऐसे बातें नहीं होना चाहिए। तो हम आरक्षित रखें, आरक्षण करने की सोचें कि हमारे पास जो भी चीज़ है उसको हम अच्छे रखें, उसकी देखभाल करें, अच्छा रखें। जैसे अपने पेड़ पौधे भी है उसको हम अच्छा रखें तो और अच्छा बन दिखेगा, हमारा मकान को हम अच्छा रखें तो हमारा मकान भी अच्छा दिखेगा। तो ये चीज़ हम सुरक्षित कैसे रखें, उसको और अच्छा कैसा बनाएं, इस बारे में सोचना चाहिए। ये बात तथागत बुद्ध ने कहा कि आरक्षण संपदा। तीसरी बात तथागत बुद्ध ने कहा कि कल्याण मित्रता होना चाहिए, कि जैसे कल्याण मित्र का मतलब जो है हर आदमी में कुछ न कुछ अच्छाई होती है और कुछ न कुछ बुराई होती है। ऐसा नहीं कि आदमी तो सभी आदमी है लेकिन आदमी के विचारों में, आदमी के व्यवहार में कुछ बुराई होती है, कुछ अच्छाई होती है। तो तथागत बुद्ध का कहना क्या है कि तुम आप किसी को दूर मत करो, किसी के बारे में द्वेष मत पैदा करो, किसी के बारे में घृणा मत पैदा करो, कल्याण मित्रता रखो। कल्याण मित्र का कल्याण मित्रता का मतलब है हर आदमी में जो बुराई होती है वो छोड़ दो, बुराई को छोड़ दो, लेकिन उसके अच्छाई, उसके अंदर जो अच्छाई होती है उसको परखो और उसके अच्छाई को परख करके, उसको देख करके उसके अच्छाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे आप तो धीरे धीरे उसके अंदर की बुराई ख़त्म हो जाएंगी और अच्छाई जो डेवलप हो जाएंगी। तो ऐसे तरह से हर एक आदमी की बुराई छोड़ कर के कल्याण मित्रता, जिसमें जो भी अच्छाई है उसका आप संग्रह करो, अच्छाई को स्वीकारो, जो भी हमें अच्छाई, अब किसी के द्वेष, किसी का घृणा मत करो, हम लोग इसका गुरु ऐसे लोग है वैसे लोग है, ये हर इसमें, हर समाज में, हर जाति में भी जो भी अच्छाई है उसको हम ग्रहण करें और जो जिनमें अच्छा सेवा भाव है, चाहे कोई भी जाति के लोग हो, अगर उनमें सेवा भाव है
गरीबों की सेवा करने की इच्छा है तो उसको निश्चित रूप से हमने स्वीकार करना चाहिए कि ये नहीं कि वो ये समाज के लोग हैं वो समाज के लोग हैं, ऐसा हमारे अंदर द्वेष भावना नहीं पैदा हो। तो कल्याण मित्रता का जो मतलब होता है कि जो अच्छाई है उसको स्वीकार करो और बुराई को छोड़ दो। तथागत बुद्ध कहते हैं जिसमें अच्छा शील हो, जो बुद्धिवान है उसकी बुद्धि स्वीकार करो, जो आर्थिक रूप में सामर्थ्यशाली है अगर वो समाज की सेवा करना चाहता तो उसके आर्थिक रूप में आप सहाय ले सकते हैं, जिसके पास जो भी अच्छी चीज़ है उसको हम स्वीकार करें, लेकिन गलत चीज़ों को हम स्वीकार न करें, गलत चीज़ों को हम अपने अंदर न लाए, इतनी हमें सतर्कता रखनी चाहिए। नहीं तो फिर हमको कुछ दे करके हमको फंसाने का भी प्रयास होता है, तो उसके बारे में कोई सम्यक वार्ता तो होती है, अच्छी बात करते लेकिन उसका कर्म ठीक नहीं होता, तो इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि कल्याण मित्रता करते समय उसका कर्म कैसा है, वो किस तरह से काम करता है, और उसकी अच्छाई को हम स्वीकार करें और बुराई को हम ख़त्म करें, बुराई को ना स्वीकारें, इसको कहते हैं कल्याण मित्रता। घर में भी कई प्रकार के लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, बच्चे लोग होते हैं, युवा लोग भी होते हैं, सभी में अच्छाई पैदा करने की कोशिश करो और उसके अंदर की जो बुराई है वो ख़त्म करने का प्रयास करो, ताकि हम परिवार में अच्छा मिलजुल के रह सके और अच्छा निर्माण कर सकते। जैसे तथागत बुद्ध की बात आपको मालूम है, पता है सबको कि अंगुलीमाल जैसा खूंखार डाकू है, उसके सामने जाने के लिए सब लोग डरते हैं, क्योंकि जो भी उसको मिलता है उसको मार डालता है और उसकी उंगली की माला बना करके गले में पहनता है, इतना वो खूंखार डाकू रहता है। लेकिन तथागत बुद्ध स्वयं उसको मिलने जाते हैं, उनके दिल में ये इच्छा रहती है तथागत बुद्ध में कि मैं अंगुलीमाल को भी दुरुस्त बनाऊँ, उसको भी अच्छे मार्ग में लाऊँ, ये सोच करके तथागत महाकारुणिक बुद्ध जाते हैं जंगल से, उसी जंगल में जाते हैं जहाँ पर अंगुलीमाल रहता है। जब अंगुलीमाल दौड़ते दौड़ते आता है तथागत बुद्ध के पास में और उसको बोलता है कि तू रुक जा। तथागत बुद्ध कहते हैं मैं तो रुका हूँ, तू अकुशल कर्म से बुरे कर्म करने से तू रुक जा, मैं तो रुका हूँ। तो वो समझ में नहीं आता उसको कि तथागत उसको समझाते हैं कि देखो तूने इतने सारे बुरे कर्म किए हैं, लेकिन इतने लोगों की हत्या की है, बुरे कर्म किए हैं, लेकिन इतना तथागत बुद्ध पॉजिटिव उसको बोलते कि तेरे अंदर की, अंगुलीमाल को कहते हैं कि तेरे अंदर की अच्छाई अभी भी ख़त्म नहीं हुई, तेरे अंदर की अच्छाई अभी भी ख़त्म नहीं हो गई, तू अभी भी अच्छा बन सकता है। तो अंगुलीमाल को ये लगता है कि ये पहली बार मुझे किसी ने बताया कि तुम अच्छा आदमी बन सकते हो, अच्छे बन सकते हो, सभी ने मुझे बुरा कह के डरते रहे और सब मुझे बुरा कहने लगे, लेकिन ये एक ऐसे मिले कि तथागत के जिन्होंने मुझे कहा कि आप अच्छे इंसान बन सकते हो, आपके अंदर का जो कुशल है, कुशल जो भावना है आपके अंदर की, वो कुशल भावना अभी भी मरी नहीं। आप उपदेशों का पवित्रता, धम्म उपदेश के प्रति चिंतन मनन, आषाढ़ से अश्विन पूर्णिमा तक धम्म के विचार लोगों तक पहुंचाने वाली सदियों से चली आ रही परंपरा वर्षावास।